हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं कुंदरू का सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, इसके लिए हम कुंदरी को हम धो लिए हैं और अब इसको हम काटेंगे। तो हम पहले प्याज को काट लेते हैं छौंक लगाने के लिए। काट कर इसको हम अलग रख लेते हैं, उसके बाद हम कुंदरी को काटेंगे। तो इसकी सब्जी है सो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये बहुत कम समय में बन जाने वाली है। देखिए, हम प्याज को काट लिए हैं, अब इसको हम अलग रख देते हैं। और ये कुंदरी है तो इसको हम काट लेते हैं, लंबे लंबे पीस में काटेंगे। आप चाहे कैसे भी काट सकती हैं, गोल भी, अपने हिसाब से आकार में काट लेना है। तो इस तरह से हम इसको भी हम काट लेंगे। तो देखिए, कुंदरी अब लगभग कट चुका है। तो अब हम कढ़ाई को गर्म करते हैं और इसमें हम तेल डालकर इसमें हम छौंक लगाएंगे। तो देखिए, तेल गर्म हो चुका है तो इसमें हम मेथी डालते हैं और प्याज। प्याज लाल होने पर कुंदरी हम इसमें डालेंगे। तो इस तरह से हम कुंदरी को डालकर चलाएंगे। इसको हम ढक कर पकाएंगे, पानी नहीं डालना है, धीमी आंच पर इसको हम पकाएंगे। तो देखिए, इस तरह से ये हल्का भुना चुका है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे ताकि जल्दी पके। नमक अपने अनुसार डालेंगे। अब इसको हम चला देंगे। इसमें हम कुछ मसाले भी डालेंगे। तो देखिए, हम हल्दी डाल देते हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर सब डालेंगे इसमें। ये धनिया पाउडर है। ये सब्जी मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये सबको हम डालकर हम चला देते हैं और इसको हम धीमी आंच पर ही पकाएंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जो भाई बहन सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करने वाले भाई बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, देखिए कुंदरी का सब्जी अब लगभग पक चुका है। थोड़ा सा और देर है, थोड़ा सा और इसको हम पका लेते हैं। देखते हैं कि पका है कि नहीं, अभी देख के। देखिए, पक चुका है। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं बस। कुंदरी पक चुका है अब। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ये सब्जी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।